नहीं, मेरा नाम प्रदीप राव मोजम, पुत्र श्री मंगत राम, पूर्व सरपंच धारवेड़ा, नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव में मैं जा रहा हूँगा और बढ़िया समर्थन मिल रहा आएगा, और मेरा चुनाव चिन्ह भी हाथी है। और मैं बहन मायावती का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे ऊपर विश्वास करके और मेरे को टिकट दी है। मैं इस बहन जी का सदा आभारी रहूंगा। और जो विकास का मुद्दा है, मैं तो विकास के मुद्दे के लिए आया हूँ। मतलब विकास का मुद्दा है, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली की समस्या हो, या सीवर की हो, या सड़क की हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जनता ये है ना, जनता तो ऐसे एक सब देख लिया कि भाई ये कौन है वो कौन है का। मैं तो एक सेवक बन के आया हूँ, 36 बिरादरी का बेटा बन के आया हूँ, कोई नेता बन के नहीं आया हूँ। नहीं, मेरे से तो धारवाड़ जनता ने ये भी कह दी थी कि आप बिन टिकट ले आओगे जब भी हम आपके साथ है, और नहीं टिकट ले आओगे जब भी आपके साथ है। आप बहन जी मायावती ने दे दी तो थोड़ी सी हिम्मत और बन गई। मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम फायदा मुझे 50% मिलेगा। मैं कल सुबह 10 बजे नामांकन भरूंगा, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में वहां प्रोग्राम करने का हमारे मन में था, और उस वहां पानी भर गया। पानी भरने की वजह से ज्योति बाई फुल्ले जी है इस पार्क में, हमें टेंट भी लगवा दिया आएगा और सभा भी होगी और वहीं से बस ज्यादा हा हुल्लड़ नहीं करेंगे। क्यों? अब ये कोई नेता नहीं है, ये गांव का बेटा है, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता प्रदीप मंगतराम मोजम को, कौन नहीं जानता। यही कहना चाहता हूं, सब मिलकर हरेक को बुजुर्ग मतलब नौजवान या हम उम्र सब ये समझे, अब प्रदीप मंगतराम सरपंच का तो चेहरा है, अगर हम हैं, मतलब हरेक जो है ना, छोटा बड़ा बड़ा बूढ़ा, वो सब ये समझे वो मतलब मौजब हम है। एक जनता से अपील ये करता हूं, जनता मेरी सब कुछ है, अब पहले तो वोट डाले, वोट जरूर डाले। और मैं समय पहले ये वादा कर चुका था कि जब मैं बीच जा रहा था, समय पहले टिकट ले आऊंगा जी, जोन सी पार्टी मेरा मोस्ट वेलकम करेगी उसके। तो बहन जी ने मैं गले लगाया, मैं बहन जी का आभार हूं। और आने वाली 12 सितंबर को हाथी के बटन पे निशान पे तो वोट का बटन दबाए, और प्रदीप राव मोजम पुत्र श्री मंगतराम पूर्व सरपंच की जो जीत होगी ना, ये धारवाड़ा जनता एरिया की जीत होगी।